टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हरे से होश वगैरह लगा सकते हैं, अलहमदुल्ला मैं बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज मैं होगी रेडी, क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपने फ्लाइट पे और हम एक रोज़ा वहीं पर ही खोलेंगे, बाकी सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अभी चलते हैं क्योंकि लेट हो रहे हैं, आगे की सारी चीज़ें अभी बाहर जाके आपके साथ शेयर करेंगे। ओके गाइज, तो गाइज हम आए थे यहाँ बर्गर लेने, रुके थे, हम जा रहे अपने। हेलो, हाँ जी, फ्लाइट पे आ गए और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मेस यहाँ फैल रहा है। और फ्राई इसीलिए काम वाली बाई बन के आई है ताकि ये आते ही काम में लग जाए। और हमारी अलमारी की हालत आप देख सकते हो, देखें ये टूट चुकी है। तो अभी हम थोड़ा सा पहले खा पी लेते हैं, फिर यहाँ की सफाई करेंगे। तो गाइस हमारा घर इतना ज़्यादा सड़ रहा था, किचन में कीड़े पड़ गए थे, फ्रिज में कीड़े पड़ गए थे, उस अलीना जमनन्या को पिटेगी। फ्रिज में पता नहीं क्या छोड़ती चली गई थी, इसमें इतने कीड़े पड़ गए, सारा कोई धोया है फिलहाल। मैं दूध उठा रही हूँ फटाफट, पूरा घर हमने धोया है अभी। उठा के निकाल ले, फोन पकड़ ऐसे पकड़ ले बस। रमजान चल रहा है ले ले। तो भाई सहरी की तैयारी चल रही है, 4 बजे अब होश आया है इन सबको। मुझे नहीं पता तो मर गया था। क्या पक रहा है ये? घर से हम सालन लाए थे, रोटी बना रहे। अच्छा, और वो अंडे इफ्रा चिल्ली फ्लेक्स हैंगी इतनी सारी, सुनो देखो नीचे वाले डब्बे में क्या क्या रखा है। इधर बन गए हमारे सालन गर्म हो गए, इधर चाय बन गई, इधर इधर बन गए, रोटियाँ बन गई हैं, अंडे को हम देंगे खाना। दस्तखान लग चुका है, अब हम बस जल्दी जल्दी सैरी करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। So guys, चाय पी ली हमने फाइनली। हेलो डियर, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रही हो? इसका मतलब ये होता है यहाँ पे इतने मच्छर है, दिमाग खराब हो गया, मोटिंग लगाई है, इतनी रात में जाके मोटिंग लेकर आए रात के 3 बजे, फिर भी मोटिंग जो है चल नहीं रही। 12 hours प्रोटेक्शन दे रही थी ये, इन्होंने हार भी कर दिया, ये कुछ नहीं करती, कानों पे भी लगा लो ना, ऐसा कोल्ड ड्रिंक उठा दे गिलास में, कोल्ड ड्रिंक भी पहले, कोल्ड ड्रिंक फिर चाय, कभी ठंडा कभी गर्म। टाइम देख लो, टाइम बता तुम, क्या बोलता रहेगा दिल, अभी टाइम बाबू बहुत है, कितना हो रहा है पूरे, अभी हमारे पास 22 मिनट है। हाँ हाँ, तो 4:40 हो रहा है। हाँ तो 28 मिनट है, 28 मिनट है, बल्कि तुम भी इतना काट दो। कितना अच्छे खास बना तुमने, उस बार खा के नाश कर लिया। क्या खाओ, क्या क्या खाया दिखी नहीं व्लॉग में, मैंने ली नहीं। ओह आप सीधे ऐसा नहीं ऐड नहीं, हम दिखाना चाह रहे हैं गाइस क्योंकि वर्क 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 वर्क। सो गाइस बस अब हमने साइड वगैरह कर ली, नमाज पढ़ ली और अब मैं कह रही हूँ अपने ऑर्डर जो माशाल्लाह जो आए हुए हैं वो सारे लिख रही हूँ। तो गाइस अगर आप भी 7 डेज में अमेजिंग रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर ऐड कर दूंगी। हमारी क्रीम का कॉम्बो मंगाए, पैक का कॉम्बो मंगाए, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, इसके रिजल्ट आपको 7 डेज में देंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सी क्लीन और खूबसूरत और प्यारी सी स्किन। तो जल्दी जल्दी ऑर्डर करें, तो मिलते हैं इंशाल्लाह इफ्तार के टाइम में। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उठ गए थे हमने जुम्मे की नमाज वमाज पढ़ ली, अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा सामान वगैरह लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। रात इतना बुरा हाल था यहाँ का, इतनी गंदगी थी, इतने हमारे फ्रिज में वो अलीना की बच्ची सामान छोड़ गई थी, तो इतने कीड़े हो गए थे, क्या क्या हो गया था। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर सामान वगैरह लेने के लिए, आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, जाहिर सी बात है। कर रहे शॉपिंग, हाई फ्रॉम हाउ आर यू, रोज़ तो नहीं लग रहा ना।
रही होगी है ना? ना मैं बोलता नहीं हूँ, क्या बोलूँ, हम मार्केट आए और यहाँ से सामान लेंगे। हमारा पूरा सामान वो मिला नहीं। मुझे देखो मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ से हम फल ले रहे थे, सब्जी ले रहे हैं और नींबू कैसे दे रहे हो? 1550 का पाव। और बताओ नींबू दे दो, एक पाव। पालक ताजी है बिल्कुल, बढ़िया। क्या रखती है? 10 का। ये भी लूंगी, ये भी 10 का पालक बहुत है। पालक का क्या करोगे, पकौड़े बनाओगे? बस मिक्स की बना लेंगे और कुछ नहीं। बस भतेरी और शिकंजी रोट और कचरी कचरी चने। तो फिर रह क्या गया, सब तो बना ही रहे हैं। मैं गाइस को दो खीरे, खीरे तो देखो 10 का एक पापड़ी 15 रुपए। पहला रोज़ है जिसमें मैं बाहर आई हूँ, वरना अभी तक मैंने सारे रोज़े घर पे किए, एक भी दिन में बाहर नहीं आई थी। इस बात का आप सब गवाह है। देख सकते हो मेरा भाई बाहर ही मुझे हुक्का दे गया, मैं हुक्का भी उठा के लेके जा रही हूँ। बहुत काम करती है मेरी बहन, बहुत। बोला जाता तुम बोल दो, मैंने चालू कर दी। मैं भी नहीं बोल रही, बंद कर दी। तो गाइस यहाँ हम काट रहे हैं, क्या ये क्या काट रहे हैं, ये तो बता दो अब। पकौड़ी का सामान इतना गुस्सा दिला रही है ना मुझे बोलना नहीं आता। वो इतनी जबान चलती है इसकी कि शायद ही किसी की चलती हो, पर ब्लॉग के आते ही इसकी जबान बंद। सच में मुझे बोलना नहीं आता। तो गाइस आज मैं पहला रोज है जिसमें प्याजे काट रही हूँ। मिक्स वाली बनाओगी ना पकौड़ी? हाँ, बस धोते हैं ना। ये चनों में कट जाएगी। चनों के लिए भी प्लेट लिया। वैसे ही काम खराब कर देते हैं ये लोग। मुझे प्याज काटने नहीं आती, वरना और सारा काम आता मुझे। ये बात है गाइस, मेरी अली इफ्रा बहुत ही ज़्यादा सलीकेमंद लड़की है, मुझसे भी ज़्यादा सलीका है। मुझे बताया ये भी खा डाल दो तेल में इसी। अलीना में तो बिल्कुल नहीं है। तो ये ब्लॉग देख ले अलीना, तुझे कह रही हूँ एक पैसे का उसको ढंग नहीं है मेरा। बैठ मुझे लड़की है और झूठी है। झूठी तो बहुत बड़ी है, वो फोन में नहीं उठा रही। तो गाइस पहले मैंने सोचा था खाली प्याज मतलब मिक्स पकौड़ियाँ बना लेती हूँ, पर मिक्स पकौड़ी का बेसन बचा तो मैंने सोचा इसे फेंकती नहीं हूँ, आलू के भी बना लेती हूँ। तो मैंने आलू के भी बना ली और इधर मैं बनाऊँगी पनीर चीज़ रोल। तो ये इसी के साथ हमारा बेसन जो है वो सार हो गया सारा। अब बोलो सलाम अलैकुम। कैसे हो? बस बोल ना यार, जल्दी कर लो टाइम नहीं है। सीधा भी रखो गाइस, देख सकते हैं आप मेरे जिंदगी में पहली बार बनाए ये रोल और माशाल्लाह अच्छे बन रहे हैं। आपकी शक्ल बताइए, बहुत टैंटिंग होंगे बाबू, हटना थोड़ा। टैंटिंग नहीं, बहुत मजे की। बहुत टैंटिंग मतलब बहुत। ओ माय गॉड, आओ सामने देख क्या वो शादी हो रही है। मैं दस्तखान रेडी हो चुका है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं मैंने बनाए हैं चीज़ चिकन रोल, कचरियाँ और वो एक आलू की पकौड़ी और इधर ये सब कुछ। माशाल्लाह बहुत अच्छा दस्तखान लग रहा है हमारा।
गाइस मैं बना रही हूँ अपनी नेबर्स के लिए प्लेट्स। मैं देख क्या हूँ मेरे क्या मैं देख क्या हूँ ये वो मुझे जानती है मुझे भी जानती है। तुम जाओगे ना मैं मुझसे तो आती नहीं प्लेट लगा सही ना इधर का चालू आ देंगे ना कचरे में डर लगा देती नहीं दूसरे प्लेट आ गई मेरा देखे आती हूँ तो मिलता आंटी इसकी वजह से हमारा रोज़ा भी लेट सहरी भी लेट यहाँ हमारी बन गई सोडे वाली शिकंजी हम खा रहे हैं हो गया मेरे माइक का शीशा टूट गया गेट टूट गया इसका मतलब मेरे पीछे उन्होंने मेरे प्लेट की कैसे वो करा है अलमारी ले ये ले कितने नुकसान होगा आपके पीछे है ना बस मेरे हाथ में दे देना मेरी प्लेट की जगह जल्दी अभी गैस खत्म ये बता दी इतना जीरा कौन डालता मेरे में जरा भी जीरा ना जाए मैंने तो कहा था काम कर दे बाबू देख सकते हैं सब कुछ ऐसे ही रखा है हमारी नमाज भी हो गई इधर ये नमाज पढ़ रही हैं उधर आसिम नमाज पढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे मस्जिद नहीं है और हमें पीने लगी हूँ का कल से नहीं पिया था परसों से नहीं पिया मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा था बस हुक्का मिल जाए बहुत गंदी बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत हो गई है मुझे अल्लाह छुड़वा दे उसके बाद आ रहे थे चक्कर बहुत ज़्यादा आज तो मैं पी रही हूँ नींबू पानी तो गाइस हमारे नेबर्स इतने अच्छे हैं हमें बराबर वाली आंटी ने आप देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें दी है मट्ठी दी है गुंजिया दी है पेठा दिया है प्लेट मतलब खाली नहीं दी ले लो उनसे प्लेट इधर वाली हमारी एक आंटी है उन्होंने हमें ये मीठे कुछ वो दिए हैं पता नहीं हमने खाए नहीं अभी मतलब प्लेट किसी ने भी हमारी खाली नहीं दी और एक आंटी और थी उनके भैया मतलब उनके हस्बैंड जो थे भाई हमें ये दे के गए पेठा और ये मट्ठी तो देख सकते हो आप कर भला तो भला कहते हैं ना अल्लाह ताला आप किसी को दो बिना किसी उसके हाल हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं था लेकिन फिर भी माशाल्लाह हमें दे के गए इनका बहुत शुक्रिया इतने प्यार के लिए गाइस ऐसे ही होता है देखो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता इंसान में इंसानियत होनी चाहिए मैंने उस दिन भी मेरी एक लड़की ने मुझे कमेंट किया था कि मैं हिंदू हूँ आप ही इसलिए शायद आप मेरी कमेंट का जवाब नहीं देते तो बाबू मेरी नज़र में तो हिंदू मुस्लिम कुछ है ही नहीं इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए अब देख लो यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं जिस सोसाइटी में मैंने फ्लैट लिया है वहाँ पे सब ज़्यादातर नॉन मुस्लिम्स हैं ज़्यादातर सब हिंदू हैं लेकिन यहाँ पे कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि हम इतने सारे हिंदुओं में अकेले मुसलमान रह रहे हैं एक मैं हूँ और दो चार मुसलमान और होंगे यहाँ पे बाकी सब हिंदू हिंदू हैं लेकिन सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं बहुत अच्छे हैं अब आप यहीं देख सकते हो माशाल्लाह सब ने हमारा दिया हुआ सब कुछ खाया भी वो आंटी तो मेरे सामने ही वो करने लगी थी और ये देखो और हमें इतना सारा सामान भी दिया तो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता आप लोग भी अगर ऐसा कुछ सोचते हो तो सब अपने जहन में से निकाल दो कि सब हम रख लेते हैं हम भी खाएंगे इसमें से ऐसा नहीं है कि हिंदू के यहाँ से आया तो हम खा नहीं सकते मट्ठी हम खाते हैं चाय के साथ खाएंगे उन्होंने हमारे चाय के साथ का इंतज़ाम कर दिया है मैं ये भी खाती हूँ ये नहीं खाती ये आसिम वो खाएंगे इफ्रा मैं ये चीज़ें खाऊंगी तो बहुत शुक्रिया सबका आपस में ऐसी प्यार मोहब्बत से इंसान को रहना चाहिए हिंदू मुस्लिम का भेदभाव बस नेता लोग कर सकते हैं हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है सब लोग कैसे हैं कोई सी भी आंटी ने प्लेट खाली नहीं दी सब ने कुछ ना कुछ भर के दिया है हमारे लिए और हमने सबका एक कर दिया वाली आंटी ये जो उधर वाली है ना जिनका अभी घर बना है उन्होंने ये दी पेठा दिया मट्ठियाँ दी उधर वालियों ने पेठा दिया मट्ठी दी और ये वाली आंटी ने ये दी दोनों बैठे मैंने कहा ऐसे ही होता हमारे सोसाइटी के लोग अच्छे हैं सब चालू कर दिया मैंने पिलाइयो कर दे चालू और कुछ आता है पिलाइयो इनकमिंग कॉल इनकमिंग कॉल इनकमिंग कॉल बोलता रहेगा आ जाइए गाइस चाय पी लीजिए रोजे की बात की चाय स्वाद अपने पंजा माइनस सुगंधा नहीं हमें ऐड दे देते ये वाला ढंग से ले लेता नहीं अम्मा जी आपका भी कोई बीमार है नहीं तो नहीं बेटा
यहाँ लोग बहुत अकेले लगते हैं, बस इसलिए आ जाती हूँ। मैं और अलीना कहते हैं ना, हम दोनों भी चले केटली में चाय करते हैं हॉस्पिटल में। लेकिन आपका भी कोई नहीं, हम खुद बहुत अकेले रहते हैं, यहाँ लोगों को चाय पिलाने आ जाते हैं। हम बदले में सब्सक्राइब कर रहे हैं। नीचे घूमने चले चाय पी ले, पहले किचन साफ कर ले। नहीं आगे सब कर, पता कितने मच्छर हो रहे होंगे नीचे। तो मैं सुन जाई, रात देखे थे कितने मच्छर थे हमारे घर में ही। मुझे नहीं लगता अगर मोटी नहीं लाती जिंदगी हराम ही हो जाती। रात गाइस, बस आज जो जो किया सारी चीज़ें आपको दिखा दी। यहाँ पे आना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि पूरे घर में बहुत ज़्यादा गंद फैला हुआ था, और फिर एक दो काम भी मुझे थे यहाँ पे जो मैं कर चुकी हूँ वो। और बस अब हम खा रहे अपनी फ्रूट चाट जो कि हमने फ्रिज कर दी थी, क्योंकि हमने उस टाइम पे खाने का दिल नहीं था। सारे बनानाज आसिम खा गया छाट छाट के। अब इसमें सिर्फ गुआवास, अब एप्पल्स और पोमग्रेनेट और ये ग्रेप्स बचे हैं जो कि मैं और इफ्रा खाएंगे। मैं बस ये खाऊंगी एप्पल और गुआवा। तो बस गाइज, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए।